सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज एक फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर क्लासिक की। और मैंने बेसिकली बता दूं, मैं भाई झूठ नहीं बोल रहा हूं कि क्या है इसमें। ये वाला जो वेरियंट है आपके सामने, ये E20 वाला वेरियंट नहीं खड़ा है, ठीक है। सो पुराना वेरियंट है ये, बट मैंने वीडियोज़ काफ़ी सारी देख ली हैं जिसमें मैंने देखा कि भाई कोई भी चेंजेस नहीं हैं। सो E20 वाला भी अगर आप देखोगे तो सेम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस का थोड़ा सा 1000 रुपये का फर्क देने को मिलने वाला है। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो आपको 88,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट पड़ने वाला है। एक शोरूम की बात करूँ, वहीं पर अगर आप E20 वाला जो वेरियंट आपको देने को मिलेगा वो 89,000 का देने को मिलेगा। और जो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, E20 वाला एथलॉन वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत यार है। बाकी बताना चाहूँगा, इस गाड़ी में और उस गाड़ी में एक सिंगल चीज़ का फ़र्क नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ E20 OBD2 वाला वेरिएंट वो रहेगा। इसमें आपको E20 OBD नहीं मिल रहा अभी देखने के लिए, लेकिन फीचर्स बिल्कुल सेम है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि 89,000 रुपीज़ का एक शोरूम उसका आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ऑन रोड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,07,000 रुपये के आसपास उसका ऑन रोड देखने को मिलेगा। इसका अभी जो ऑन रोड है वो लगभग 1,06,000 रुपये है, ठीक है। और माई TVS शोरूम में हम वीडियो बना रहे हैं दरियागंज में। अगर आपको ये स्कूटर चाहिए इस प्राइस के अंदर, ये वाला वेरियंट E20 वाला नहीं है, अगर ये चाहिए तो भाई ये ले सकते हो। बाकी आपके पास ऑप्शन E20 वाला भी मिल जाएगा। सो आइए जानते हैं और डिटेल वाइज बात करते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देने को मिल जाते हैं। सो गाइज, ये है क्लासिक वाला जो वेरिएंट है, ये स्पेशली एडिशन है, ये 5 मिलियन एडिशन वाला वेरिएंट कह सकते हो, क्लासिक एडिशन। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है 5 मिलियन जुपिटर्स। 5 मिलियन जुपिटर सेल आउट हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया इसका सक्सेस रहा है जुपिटर का 110 सीसी के अंदर। सो ये उनमें उसी के बाद एक क्लासिक एडिशन निकाला है जो एक लग्जरी एडिशन कह सकते हो इसको। इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको इसमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। फ्रंट एक विंडशील्ड देखने को मिल जाती है जो इसके लुक को और इनहेंस कर देती है, क्लासिक लुक बना देती है। यहाँ पे भी क्लासिक लिखा हुआ है स्ट्रिप में, ठीक है। इसके जो मिरर्स हैं वो मेटल में आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये प्लास्टिक है यहाँ पे, ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, राउंड शेप के दिए हैं गोल। और इसमें आपको जो ब्रेकिंग के जो लीवर्स दिए हुए हैं ये ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करूँ तो ब्लैक कलर में TVS लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको सिल्वर कलर का प्लस इसमें येलो लाइंस प्लस ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन के साथ जुपिटर लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसमें दो कलर आपको देखने को मिलेंगे, एक सिल्वर कलर एक बैगनी कलर, दो ही कलर के ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो तो हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, सिल्वर का यहाँ पे फिनिशिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा विंड को अंदर करने के लिए हल्का सा दिया हुआ है, लुक को इनहेंस करने के लिए बेसिकली। यहाँ पे आपको मडगार्ड के ऊपर एक हल्का सा इसमें वो देखने को मिल जाता है हम्प सा, और एक आप प्रोटेक्शन के लिए लगाया बेसिकली, और लुक को इनहेंस करने के लिए, क्लासिक लुक देने के लिए। फ्रंट में आप देखोगे मेडगार्ड के आगे भी आपको सेफ्टी के लिए रबड़ दी हुई है। फ्रंट मेटल का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आपको इसका जो टायर दिया वो 90x90 का 12 इंच का अलॉय देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में। अगर इसके अलॉय की बात करें तो डायमंड कट अलॉय है। इसका जो लुक है वो काफ़ी प्यारा है भाई। और रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। अगर डिस्क की बात करें तो ये डिस्क है 220mm की डिस्क दी हुई है। रियर में आपको 130mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉकर आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर में जो आपको शॉकर देखने को मिलेगा ये 3-स्टेप एडजस्टेबल कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक देखने को मिलेगा, रियर वाला जो शॉकर है इसका। अगर हम बात करें इस गाड़ी में आपको क्लासिक लुक क्यों बनाया हुआ है, इसका देखोगे ये स्पेशल टाइप का एडिशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का पूरा बॉडी जो है ब्राउन कलर की दी हुई है। सीट भी ब्राउन लेदर में दिया हुआ है, काफ़ी क्लासिक लुक है। सीट के ऊपर भी क्लासिक लिखा हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन देखो तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। बैकरेस्ट जो दिया हुआ है ये भी आपको काफ़ी बढ़िया हैवी देखने को मिल जाता है बैकरेस्ट बैक सपोर्ट के साथ। यहाँ पे भी लेदर का यूज़ किया गया है। ब्लैक कलर की इसमें आपको दिख जाती है जो ग्रैब हैंडल है वो ब्लैक कलर का दिया हुआ है। पीछे इस पर भी जुपिटर लिखा हुआ है। यहाँ पे TVS का लोगो देखने को मिल जाता है। 5 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स अगर आप बात करें तो हेलोजन में दिए हुए हैं, प्लस टेल का जो लैंप है टेल लैंप भी आपको हेलोजन में देखने को मिलता है। तो फ्रंट में LED या रियल में टेल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये आप देख सकते हो ये जो वेरिएंट है इसमें आपको जो साइलेंसर है उसके ऊपर क्रोम का काम किया गया है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको जो टायर का साइज़ है वो दोनों ही सिमिलर है, 90x90 के ही हैं, आगे पीछे दोनों ही 12 इंच के बहुत सेम है। गाइस अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो आप देख सकते हो साइड पैनल जो इसका दिया हुआ है ये मेटल में दिया हुआ है, तो सेफेस्ट एक स्कूटर है। यहाँ पे आप देखोगे जुपिटर लिखा हुआ ब्लैक कलर में, क्लासिक लिखा हुआ है, स्ट्रिप्स दी हुई हैं तो क्लासिक लुक प्रॉपर दिया हुआ है। इसका बूट ओपन कर देता हूँ एक बार में तो हल्का सा लेफ्ट में अगर आप करोगे यहाँ पे आप फीचर्स दिया हुआ है, ये इसकी की है। और यहाँ पे लॉक भी यहीं से हो जाएगा, पुश भी फ्यूल का भी यहीं से ओपन हो जाएगा, ठीक है।
और जैसे हम इसको ओपन करते हैं 21 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इजीली एक हेलमेट रख पाओगे बड़ा वाला अपना, और काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है ये स्पेस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे OBD वाला जो रहता है, OBD 2 आता है, जैसे ये OBD है नॉर्मल, OBD 2 तो नहीं है ये, क्योंकि भाई वेरिएंट तो OBD 2 है ही नहीं वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको किक स्टार्ट प्लस सेल्फ स्टार्ट दोनों ही देखने को मिल जाता है, तो एक और बढ़िया फीचर रहता है कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे आप देखोगे तो आपको किक स्टार्ट वगैरह नहीं देखने को मिलता, तो किक स्टार्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। 2 लीटर का आपको इसमें यहाँ पे फ्रंट में ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जर भी देखने को मिलेगा, तो चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, इसका यूज़ करके आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो इजीली। स्पीडोमीटर अगर आप देखोगे तो काफ़ी क्लासिक लुक में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको इको मोड, पावर मोड दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे ही लो होगा ये बजन लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अलग से फ्यूल का भी दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं, किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें एक और फीचर मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ का, जैसे ही साइड स्टैंड लगा होगा यहाँ पे इंडिकेटर्स बच जाएगा, ठीक है। वो दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो जैसे ही हम इसका साइड स्टैंड नीचे करेंगे ये यहाँ पे रेड लाइट देखने को मिल जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, ये स्टार्ट नहीं हो रही। और जैसे ही हम इसको हटा देते हैं इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाता है इजीली। सो ये काफ़ी बढ़िया फीचर देखने को मिलता है, आजकल ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है ये वाला फीचर। यहाँ से इंजन कट ऑफ का फीचर है, यहाँ से आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो सिंगल टच स्टार्ट हो जाता है। साउंड सुन लो भाई, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ साउंड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे हेडलैम्प एक बार दिखाता हूँ, ऑन कर रखी है अभी तो LED में दिखते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लुक आता है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ LED टेक लिखा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे इस गाड़ी में आपको लो बीम, हाई बीम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आपके इंडिकेटर्स इसमें यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। हॉर्न, ये हॉर्न का साउंड है इसका, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया लुक्स में देखने को मिल जाता है। सो गाइस अब बात करते हैं फाइनली इस गाड़ी का जो पावर है, इंजन है, वो कितना है। इंजन इसमें आपको सिंगल सिलेंडर देखने को मिलेगा, 4-स्ट्रोक CVTi इंजन देखने को मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। इस गाड़ी में आपको एग्जैक्ट पावर की अगर बात करें तो 7.7 BHP देखने को मिल जाती है एट द रेट ऑफ 7500 RPM पे। वहीं पे अगर टॉर्क की बात करें तो 8.8 NM का टॉर्क देखने को मिलेगा एट द रेट ऑफ 5500 RPM पे। किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिल जाता है। 109.7 CC का एग्जैक्ट इसका आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस गाड़ी की अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको 1834 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। हाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको 1286 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है 1275 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। 109 kg का काफ़ी बढ़िया वेट देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस के अंदर अगर आप जाओगे तो 21 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और इजीली आप हेलमेट वगैरह उसमें रख सकते हो, ठीक है। 110 cc के अंदर एवरेज की अगर बात करें तो आपको लगभग 45 से 50 की एवरेज देखने को मिल जाती है। अभी जो ये वेरिएंट खड़ा है इसका 88,000 rupees एक्स शोरूम प्राइस है, लेकिन जो OBD 2 वाला वेरिएंट है उसका 89,000 rupees एक्स शोरूम प्राइस है। और बाकी सारे फीचर बिल्कुल सेम है, कलर ऑप्शन दो देखने को मिल जाते हैं, क्लासिक वाला वेरिएंट है। आई होप जो ये वीडियो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।